चलिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये त्रिवाला जैसा वैसे रहेगा। यूज डिवीजन एल्गोरिथम, यहां पर क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके यहां पे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे स्क्वायर था तो यहां पे क्यूब है, डिफरेंस क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड था, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला था, ए प्लस बी होल क्यूब। देखिए क्वेश्चन को देख के करना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब का फॉर्म कौन से फॉर्म में होगा, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ये फॉर्म में होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपको कंपलसरी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, वो क्वेश्चन अच्छी तरह आपको सॉल्व करना है और पहले इसको समझना है और समझ के सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर ये 9 बड़ा है तो चाहे तो इसको हम 3m प्लस 1 3m प्लस 8 हम बना सकते हैं, लेकिन प्रूफ तो यही करना है आपको। ये सपोज हम बना लिए, अब एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी अ एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखकर, और डिवाइजर जो पहला नंबर होगा वो ले लेंगे, नीचे जो है वो ले लेंगे हम डिवाइजर, बी इज इक्वल टू 3 होगा, यहाँ पर 3 है ये ले लेंगे, तो आर इज इक्वल टू पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 होंगे, 0, 1, 2 ये पॉसिबल वैल्यूज होंगे। चलिए अब देखेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन आर, आर लेस देन बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू यहां पर रिमाइंडर है 3 क्यू प्लस आर और आर के पॉसिबल वैल्यूज है 0, 1, 2, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब पहला क्या करना, अगर आप फर्स्ट स्टेप, अगर आप चाहते हैं कि आर की जगह 0 हो तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए 3q प्लस 0 होगा, आर हटा के 3 0 रखना, ए इज इक्वल टू ए दोनों को ऐड करने पर क्या होगा 3q। अब ये क्यूबिंग ऑन क्वेश्चन में यहां पर क्यूब कह रहा है, ये क्यूब है तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा ये ए क्यूब इज इक्वल टू 3q³ होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q कितने बार लिखना है, 3 टाइम 3q इंटू 3q, ए क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9 3 27q³ होगा। ठीक है, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 को 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू ए 9, ये ब्रैकेट वाले को सपोज क्या दे देंगे हम, m दे देंगे, ये पहला वाला इक्वेशन आ गया आपका, देखिए 9m। ठीक है, ये पहला वाला प्रूफ हो गया। अगर उसी तरह यहाँ पर देखेंगे सेकेंड, अगर आप चाहते हैं r इज इक्वल टू 1 हो, r इज इक्वल टू 1 हो तो ये वाला इक्वेशन में देखिए, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा, ये a इज इक्वल टू 3q प्लस क्या होगा 1। अब इसको क्या करना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, a क्यूब इज इक्वल टू ए 3q प्लस 1 ऊपर क्या होगा क्यूब, इसका फॉर्मूला चेंज होगा, कौन क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq, ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको a दे देंगे, इसको b सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब का मतलब 3q³ प्लस फार्मूले का 3, ए स्क्वायर होगा 3q², बी होगा 1 प्लस 3ab², ए होगा 3q, बी स्क्वायर होगा 1² प्लस bq होगा 1³। ठीक है, चलिए ए क्यूब इज इक्वल टू 3 को 3 टाइम लिखे, यहाँ पर लिखे हम ऑलरेडी, क्या आ गया 27q³ प्लस 3 3 9 3 27q प्लस 3 3
ये क्यू स्क्वायर है क्यू स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन क्यू, प्लस वन को थ्री टाइम लिखिए वन, ये थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब, थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्वायर, ये थ्री थ्री जा नाइन। अब देखिए ये तीनों नाइन के टेबल में आते हैं तो नाइन को कॉमन ले लेंगे, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, नाइन वन जा नाइन प्लस ए वन, ए क्यूब इज इक्वल टू नाइन, ये सारा एम हो जाएगा प्लस क्या है यहाँ पे वन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये देखिए सेकेंड इक्वेशन भी आ गया नाइन प्लस एम प्लस वन। अब ये चाहिए नाइन एम प्लस एट चाहिए तो यहाँ पर हम ले लेंगे थ्री क्यू। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी रहेगा ये, और इसको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपको ईजी ट्रिक बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं थर्ड बिट है पुट आर इज इक्वल टू क्या चाहिए टू, तो ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस क्या होगा टू, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू क्यू क्यूब, ये क्यूब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला यहाँ पर है, देखिए आप कुछ भी आपको नहीं करना है, इसकी ट्रिक क्या है, जहाँ जहाँ वन दिख रहा है वहाँ पे टू रखना है, रिमेनिंग सेम लिखना है, ये वन की जगह सिर्फ क्या रखना है आपको टू। देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू ये थ्री क्यू क्यूब प्लस ये थ्री क्यू स्क्वायर, ये वन की जगह टू, थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर, ये वन की जगह टू, फिर ये प्लस थ्री इंटू थ्री क्यू वन की जगह टू, प्लस थ्री इंटू थ्री क्यू ये वन की जगह टू, उसके बाद वन क्यूब का मतलब टू क्यूब, जहाँ पर भी वन है वहाँ पे क्या देना है आपको टू क्यूब, इस तरह आपको देना है। ठीक है, अब दिए बाद आपको क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे करूँगा देखिए इस वाले पेपर में, यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब प्लस ए थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन टू जा फिफ्टी फोर क्यू स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स क्यू प्लस टू टू जा फोर टू जा एट। ठीक है, समझ आया नहीं है, थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री को टू नाम लिखे थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन टू जा फिफ्टी फोर, थ्री थ्री जा नाइन टू टू जा फोर, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स से टू क्यू। अब देखिए ये तीनों भी नाइन के टेबल में आते, ए क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर नाइन कॉमन ले लिए, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स प्लस एट का एट, ए क्यूब इज इक्वल टू नाइन, ये पूरा एम हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा एट। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपके पास आ गया, एक ही थर्ड वाला भी यहाँ पे नाइन एम प्लस एट। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस आपके हैं। ठीक है, इसके और इस टाइप के और क्वेश्चंस हैं, एक होमवर्क में दूंगा, एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, अच्छी तरह सॉल्व करके आपको बताना है, होमवर्क आपको दे रहा हूँ मैं, ये होमवर्क इसकी जैसे और क्वेश्चन है, ये होमवर्क में कर लीजिए। फोर एम, फोर एम प्लस वन, फोर एम प्लस, अच्छा फोर एम, फोर एम प्लस वन, फोर एम प्लस फोर, ये क्यूब का है। देखिए दूसरे क्वेश्चन भी इसके आगे के और मिलेंगे, ऑल द बेस्ट। के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है क्यूब के, यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ नाइन एम, नाइन एम प्लस वन, नाइन एम प्लस, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आने के लिए यहां पर भी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर भी है, ये क्वेश्चन आपको आएंगे। क्या दे रखा है इसको हम सही कर लेंगे, यहां पर दे रखा है देखिए सेम एज क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन हमको चाहिए। चलिए मैं आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन हमको चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू दो शो दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए हमको प्रूफ करना है कि क्यूब का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब का फॉर्म क्या होगा, 7m, 7m प्लस 1 या 7m प्लस 6 के टाइप में होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, चलिए इसको मैं अब सॉल्व कराता हूं आपके लिए। यहां पर हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहले आपको गिवन लेना है, आपको पता है यहां पर गिवन 7m, 7m प्लस 1 और 7m प्लस 6 से गिवन है, और यहां पर आपको ये स्टेप तो आपको लिखना है, ए बी अ एनी पॉजिटिव इंटीजर और डिवाइजर होगा 7, ये डिवाइजर जो होगा 7 होगा, डिवाइजर क्या होगा 7। अब यहां पर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा,
यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो क्या होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन आर, आर की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी और बी से कम होगी। और यहां पर डिवाइजर सेवन है तो ए इज इक्वल टू बी की जगह पर सेवन क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो आर के वैल्यूज क्या पॉसिबल हो सकते हैं, सेवन मतलब एक कम, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब आप सोचेंगे इतने सारे वैल्यूज करना है, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमारे लिए हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको टाइम भी तो चाहिए, नहीं इतने आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो दिया वही सेवन एम का मतलब जीरो, सेवन एम प्लस वन का मतलब वन, सेवन एम प्लस सिक्स का मतलब ए सिक्स, ये तीनों ही आपको करना है, रिमेनिंग नहीं छोड़, रिमेनिंग आप लिव अप कर देंगे, तीन ही हम सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पर लेंगे पुट आर इज इक्वल टू जीरो, अगर आर की जगह पर आप जीरो रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर ए इज इक्वल टू सेवन क्यू प्लस आर होगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू आर की, आर की वैल्यू हम जीरो रखें तो यहाँ पे जीरो आप रख सकते हैं, आर रिमाइंडर जीरो, ए इज इक्वल टू क्या होगा सेवन होगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या करना पड़ेगा आपको ए क्यूब इज इक्वल टू सेवन क्यू क्यूब होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू सेवन को थ्री टाइम लिखिए, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन, सेवन जो थ्री फोर्टी थ्री होगा, क्यू क्यूब होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री फोर्टी थ्री को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेवन इंटू फोर्टी नाइन क्यूब लेंगे हम, सेवन इंटू फोर्टी नाइन क्यूब, आप इस तरह आप लिख सकते हैं, सेवन इंटू फोर्टी नाइन, अब सेवन फोर्टी नाइन को मल्टीप्लाई की ये होगा, जो भी ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पर हमको क्या सपोज करना है, एम सपोज करना है, सेवन ए एम हो जाएगा, ये आपको यही आपको यहाँ से प्रूफ करना है, एक आ गया, ठीक है। सेकंड ले लेंगे ए इज इक्वल टू सेवन एम प्लस वन, चलिए जीरो रखे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या रखेंगे, सपोज हम क्या करेंगे पुट आर इज इक्वल टू वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू सेवन क्यू प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये सेवन क्यू प्लस वन होल क्यूब हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब में हम रखेंगे तो क्या होगा ये ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई यहाँ पे करना है तो क्या हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब सेवन क्यू क्यूब प्लस थ्री फॉर्मूले का ए स्क्वायर सेवन क्यू स्क्वायर होगा, बी होगा वन प्लस थ्री ए होगा सेवन क्यू, बी स्क्वायर होगा वन क्यूब वन स्क्वायर, बी क्यूब होगा वन क्यूब, इस तरह आपको लेना है। ए क्यूब इज इक्वल टू सेवन को थ्री टर्म लिखेंगे हम तो मल्टीप्लाई करने पर थ्री फोर्टी थ्री होगा क्यू क्यूब, ठीक है। प्लस सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन और फोर्टी नाइन सेवन जो वन फोर्टी सेवन होगा एम क्यू स्क्वायर प्लस थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन क्यू वन वन जो वन। ए क्यूब इज इक्वल टू यहां से सेवन अगर कॉमन ले लेंगे आप सेवन फोर्टी नाइन जो थ्री फोर्टी थ्री प्लस सेवन टू जा फोर्टीन सेवन वन जा सेवन क्यू स्क्वायर सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ये नहीं आएगा इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू सेवन ये पूरा एम हो जाएगा प्लस ए वन, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया आपको, कितने इक्वेशंस हो गए दो इक्वेशंस हो गए। आप नेक्स्ट आप क्या करना है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, सेवन एम प्लस सिक्स लेना है तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे पुट आर इज इक्वल टू सिक्स, यहाँ पर हम ले लेंगे पुट आर इज इक्वल टू सिक्स तो ए इज इक्वल टू क्या होगा सेवन क्यू प्लस सिक्स, ए इज इक्वल टू सेवन क्यू प्लस सिक्स स्क्वायर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड तो ए क्यूब इज इक्वल टू सेवन क्यू प्लस आर सिक्स क्यूब, ए प्लस बी, देखिए अभी हम ए प्लस बी होल क्यूब यहां पर करें, ये एज इट इज रखना है आपको, ये एज इट इज रखना है, जहां पर वन है वहां पर सिक्स रखना है, किस तरह इसको इजी वे में बताऊंगा। देखिए यहां पे, यहां पर हमको देखिए ये स्टेप देखिए सेवन क्यू क्यूब ये सेम आएगा सेवन क्यू क्यूब, ठीक है। प्लस ये थ्री ये सेवन क्यू स्क्वायर सेम आ जाएगा, ये वन है हटा के उसकी जगह पर सिक्स रखेंगे प्लस थ्री सेवन क्यू सेम आ जाएगा।
और 1 हटा के 6 रखेंगे पर स्क्वायर हो जाएगा, 1 क्यूब की जगह 6 क्यूब, बहुत इजी मेथड, जहां पर भी 1 है वहां पर आपको 6 रखना है। ए क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 टाइम लिखेंगे तो 343 आ गया अभी, क्यू क्यूब प्लस 36 18, 77 49 और 49 18 882 क्यू स्क्वायर प्लस 37 21 60 36, 21 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 756 क्यू, 6 6 36 6 216, 3 टाइम लिखने पर ये आ गया। ए क्यूब इज इक्वल टू ए 343 क्यूब, क्यूब ऐसे रखेंगे 882 क्यू स्क्वायर ऐसे रखेंगे प्लस 756 ऐसे रखेंगे, हमको क्या बताना है आंसर क्वेश्चन में 6 बताना है यहाँ पर, तो इसको 6 ये 6 अलग कर लेंगे और कितने बचते हैं यहाँ पे 210, इस तरह इसको बन टू हमको टू पार्ट्स में इसको हम कर लेंगे, 216 को टू पार्ट्स में करेंगे। अब उसके बाद कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू कॉमन ले लीजिए 7, यहाँ पर आ जाएगा 49 क्यू क्यूब प्लस 7 1 7, 7 2 14, 7 6 42 प्लस 7 1 7, 7 8 56, 7 3 21 0 और ये प्लस 6 एज इट इज। ए क्यूब इज इक्वल टू 7, ये सारा क्या हो जाएगा एम हो जाएगा प्लस ए 6, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आएगा, बेस्ट ऑफ लक। एक और क्वेश्चन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये तो और लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मेथड सेम है। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब का फॉर्म 8m होगा, 8m प्लस 1 होगा, 8m प्लस 3 होगा, 8m प्लस 5 होगा, 8m प्लस 7 होगा। थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, अच्छी तरह समझिए, इजी वे में मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन ले लेंगे, क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है 8m, गिवन है 8m प्लस 1, गिवन है 8m प्लस 3, गिवन है 8m प्लस 5, गिवन है 8m प्लस 7, ये सारे गिवन है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, जो फर्स्ट स्टेप होता है ये स्टेप क्यूब का ये सेम लेना है, ये स्टेप सेम होगा, ये स्टेप सेम होगा, ये स्टेप सेम होगा, ये तीनों स्टेप सेम होगी। यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी अ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये एज इट इज होगा और डिवाइजर होगा यहाँ पर 8 होगा, जो डिवाइजर होगा वही हम लिखेंगे। अब उसके बाद अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या होगी, या 0 के बराबर हो जाएगी या 0 से बड़ी होगी या बी से कम होगी। अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू डिवाइजर यहाँ पर 8 है, 8 क्यू प्लस आर होगा, तो R के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 8 तो नहीं होगा क्योंकि 8 से एक कम होगा, एक कम होगा, इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले बता दिया है। अब देखिए इतने सारे वैल्यूज आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखना है 8m है तो 0, m प्लस 1 है तो 1, 3 है तो 3, 5 है तो 5 और उसी तरह 7 है तो 7, ये 5 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए पैटर्न सेम ले लेंगे, फर्स्ट हम लोग पुट आर इज इक्वल टू, अगर आप 0 ले रहे हैं तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू 8q प्लस 0 होगा, आर इज इक्वल टू 8q प्लस क्या होगा, 0 होगा। अब आपको पता है 8 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा, ए इज इक्वल टू 8q होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यों क्यूबिंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब कह रहा है, तो इसलिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 8q³ हो गए, ए क्यूब इज इक्वल टू 8 को 3 टाइम लिखिए, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इज 64 और 64 8 इज 512 q³, ए क्यूब इज इक्वल टू 8 को कॉमन ले लेंगे तो 8 इंटू 64 आ जाएगा q³, 864 जा 512, ये ब्रैकेट वाले को हम क्या करेंगे, सपोज m करेंगे 8m, यही आपको यहां पर बताना है 8m आ गया, दूसरा 8m प्लस 1, तो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे पुट r इज इक्वल टू 1, देखिए स्टेप बताया बाद रिमेनिंग स्टेप किस तरह करना है मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से करना है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 8q प्लस 1, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 8q प्लस 1 होल क्यूब,
it is in the form of a plus b whole cube. A cube plus 3a square b plus 3a square b 3ab square plus b cube, ये फॉर्मूला आपको लेना है, ठीक है। a cube is equal to, a cube हो जाएगा 8q cube plus 3a square हो जाएगा 8q square, b हो जाएगा 1, 3a हो जाएगा 8q, b square हो जाएगा 1 square, b cube हो जाएगा 1 cube। अब चलिए a cube is equal to 8 8 जा 64 8 जा 512, तो हमने पहले लिखा है, प्लस 8 8 जा 64 और 64 3 जा 192 q square, 3 8 जा 24 q plus 1 1 जा 1। a cube is equal to 8 common ले लेंगे, 8 का अगर 512 को 8 से डिवाइड करेंगे 64 q cube plus यहां पर क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16, 8 4 जा 42 32 q square, उसके बाद प्लस 8 3 जा 24 q प्लस ए 1। ए क्यूब इज इक्वल टू 8, ये सारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, प्लस ए 1, ठीक है। अब इस स्टेप को बेस बनाकर आपको रिमेनिंग स्टेप सॉल्व करना है, ये अच्छी तरह याद रखना आपको। चलिए 1 भी हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, आप क्या लेंगे, 3 ले लेंगे हम, 3। तो यहां पर आपको लिखना है पुट r इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8q + 3, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 8q + 3q। यहां पर आपको फॉर्मूला लिखना होगा, ये फॉर्मूला आपको लिखना है एज इट इज। अब देखिए जहां पर भी यहां पर इस फॉर्मूले में 1 लिखा है वहां पर आपको लिखना है 3, एज इट इज लिखना है। देखिए यहां पे a क्यूब एज इट इज, ये 8q क्यूब एज इट इज प्लस 3 8q² एज इट इज, ये 1 की जगह पे यहाँ पे 3 है तो 3 लिखना है, प्लस ए 3 एज इट इज 8q एज इट इज, फिर 1 की प्लस में 3 लिखना है ऊपर स्क्वायर, प्लस 1 की प्लस में 3 लिखना है क्यूब, ठीक है। बहुत सिंपल, अगर 8 की प्लस में अगर ये कर रहे हैं तो 3 रखना है तो 3, 5 रखना है तो 5, 7 रखना है तो 7, फिर 1 की प्लस 3, सिर्फ हम लोगों को रिप्लेस करना है, रिमेनिंग सेव है। चलिए 8q इज इक्वल टू 8 को अगर आप 3 टाइम लिखेंगे तो 512q³ प्लस 3 3 जा 9, 8 8 जा 72, 8 8 जा 72, 3 3 जा 9, 72 कह रहा हूँ, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9, 64 को आप 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 4 जा 36 कह रहे, 3 9 6 जा 54, 56 576 576 q स्क्वायर, प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 27 8 जा 216 q प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, तो ये 7 को आप चेंज करना है, यहाँ पे किस तरह करेंगे, 3 + 24 बना देना है इसको, 3 + 24 बना के रिमेनिंग पूरा सेम, 216 q प्लस 576 q² प्लस 512 q³ इज इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 64 q³ आ जाएगा, प्लस 8 7 जा 56 1 बच जाएगा, 8 2 जा 16 प्लस, फिर यहां पर आप किस तरह कर सकते हैं, 216 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 क्यू प्लस 8 3 जा 24 प्लस ये 3, ठीक है। क्या करें हम, 8 64 जा 512, 8 72 जा 576, 8 27 जा 216, 8 3 जा 24। ए क्यूब इज इक्वल टू 8 into ये सारा एम हो जाएगा प्लस ये 3, यही आंसर हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर, यही क्वेश्चन आपके पास यहां पर है, देखिए ए 3। अब जहां पर भी है वहां पर क्या लेना है, 5 लेना है, तो यहां पर आप लिखेंगे पुट आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहां पर जहां पर ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, जिस दर भी 1 है वहां पर आपको क्या रखना है, ये 5 क्यूब ले लेंगे, a इज इक्वल टू 8q + 5 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो a क्यूब इज इक्वल टू 8q + 5 ऊपर क्या हो जाएगा, क्यूब। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, जिधर भी यहां पर 1 दिख रहा है वहां पे सेम, a क्यूब
ये 8 क्यूब पहले एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, 8 क्यूब स्क्वायर एज इट इज, 1 की प्लस में 5, फिर 3 एज इट इज, 8 क्यूब एज इट इज, 1 की प्लस में 5 स्क्वायर, फिर 1 की प्लस में 5 क्यूब। ये 1 जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर हम क्या रखें, 5 रखे हम मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए 8 क्यूब ए क्यूब 8 एट, यहाँ पर सेम आएगा 5 12 क्यू क्यूब, 5 12 क्यू क्यूब, और उसके बाद प्लस 3 5 जा 15, 8 एट जा 64, 64 15 जा 960 क्यू स्क्वायर, प्लस 3 एट जा 24, 5 जा 600 क्यू, प्लस 5 5 जा 25, 5 जा 125। ये 125 को हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, तो इसको इस तरह करेंगे प्लस 5 प्लस 120 करके रिमेनिंग पूरा एज इट इज लिखेंगे, 600 क्यू प्लस 960 क्यू स्क्वायर प्लस 512 क्यू क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब इज इक्वल टू कॉमन ले लेंगे 8। अब इसको डिवाइड करेंगे 64 क्यू क्यूब प्लस, और किस तरह आएगा यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 600 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 8 7 जा 56, 8 5 जा 40 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। अब ए क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू ये सारा हो जाएगा m प्लस क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर भी ये प्रूफ हो चुका है। अब लास्ट बिट बची हुई है, एक बिट हम उसको ले लेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या चाहिए देखना है, क्वेश्चन में चाहिए 7, तो r इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 7, तो a इज इक्वल टू 8 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 7, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब प्लस 7 क्यूब, ए प्लस बी होल स्क्वायर में, यहाँ दोबारा जहाँ जहाँ पर बी वन है वहाँ पर 7 रख के सब्स्टिट्यूट कीजिए, इस तरफ करूँगा देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू 1 की प्लेस में 8 क्यू क्यूब पहले एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, 8 क्यू स्क्वायर एज इट इज, 1 की प्लस में 7 प्लस 8 सॉरी प्लस 3 एज इट इज, 8 क्यू एज इट इज, 1 की प्लस में 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब, 7 क्यूब इस तरह आ जाएगा 7 क्यूब। अब यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए 8 क्यू क्यूब प्लस 3 8 क्यू स्क्वायर 7, 3 8 क्यू इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब है, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ 7 क्यूब, 7 पावर ऑफ 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करना है, तो पहला स्टेप एज इट इज 8 ये 5 12 क्यू क्यूब प्लस 3 7 जा 21, 21 8 जा 1 3 4 4 क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 7 जा 49, 3 8 जा 24, 24 49 जा 3 1 3 6 आ जाएगा प्लस 7 7 जा 49, 49 7 जा 3 43 हो जाएगा। अब यहां पर हमको चाहिए 7, तो इसको सेपरेट करना प्लस 7 इस तरह करना है, प्लस 7 करके इसको क्या करना है 336 रिमेनिंग एज इट इज, 3 1 3 6 क्यू प्लस 1 3 4 4 क्यू स्क्वायर प्लस 5 1 2 क्यू क्यूब इज इक्वल टू एक ए क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 8 ले रहे हैं, 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बच जाएगा 64 क्यू क्यूब प्लस 8 से 8 1 जा 8, 8 6 जा 8, 8 जा क्यू स्क्वायर प्लस 8 3 जा 8, 9 जा 8 2 जा क्यू प्लस 8 4 जा 8 2 जा, ये हो गया ब्रैकेट प्लस क्या बच गया यहाँ पे 7, ए क्यूब इज इक्वल टू 8 ये सारा m हो जाएगा प्लस ये 7, इस तरह सॉल्व करना है। तो ये दो वेरी लेंथी